आज दो पिटीशन पेंडिंग थी निर्भया गैंग रेप केस में, दो पिटीशन पेंडिंग थी। एक पिटीशन तो भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने डाली थी जो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, उस पर थोड़ी सुनवाई होके वो कल के लिए एडजर्न हो गई है, कल उस पर 2 बजे सुनवाई होगी। और दूसरी पिटीशन जो मैंने विनय शर्मा की तरफ से दया याचिका के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत संविधान के, भारत संविधान के 32 के तहत हमने डाली थी, इसमें जो मर्सी पिटीशन 24-48 घंटे के अंदर जो हमारी मर्सी पिटीशन डिसाइड की थी दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चारों के द्वारा, उसके फैक्ट की तथ्य पे डाली थी। इसकी हमने आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट मांगे थे कि हमें ये डॉक्यूमेंट दिए जाएं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आरटीआई जो बना एक्ट 2005 उसके तहत हमें इसमें नहीं दिए गए, जबकि दया याचिका और जीवन की मौत से संबंधित डॉक्यूमेंट है, आप किसी का जीवन ले रहे हैं देश के महामहिम के आदेश से, तो हमें वो डॉक्यूमेंट दिए जाएं, किस आधार पर डिसमिस की, डॉक्यूमेंट नहीं दिए। फिर हमने एप्लीकेशन लगाई कि हमें फाइल इंस्पेक्ट करने का अवसर दिया जाए, तो दिल्ली सरकार ने कहा फाइल इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फाइल इंस्पेक्ट करने में हमने वो डॉक्यूमेंट लिए, देखे और कोर्ट में भी वो बात रखी, वो पेज रखे जिसमें मर्सी पिटीशन जो देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहां भेजी गई, उस पिटीशन की रिकमेंडेशन पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर नहीं थे। बाद में जब इस पर क्लेरिफिकेशन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने डिजिटल साइन मंगाए थे, व्हाट्सएप पे डिजिटल साइन आके अगर मर्सी पिटीशन डिसमिस की जाएंगी तो ये पूरी तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, भारत के संविधान के साथ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ और देश के नागरिकों के साथ, देश के राष्ट्रपति के द्वारा और गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी चीज जो हमने फाइल इंस्पेक्ट करने की बात थी उसमें फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, फैमिली बैकग्राउंड, जेल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड, हाई कोर्ट रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड, तीनों कोर्टों के जजमेंट सब मांगे गए थे, वो वहां उस फाइल में नहीं थे, जिनको हमने कल दिल्ली सेक्रेटरीट के सचिवालय में 3 घंटे बैठकर इंस्पेक्ट की फाइल सुबह से दोपहर तक, क्योंकि दोपहर के बाद फिर पटियाला हाउस कोर्ट जाना था, उतनी देर में जो इंस्पेक्ट की गई उसमें कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे जिनका जवाब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के वकील और उनके किसी के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा कि आज आप फाइल मंगाइए, ये रिकॉर्ड मंगाइए, रिकॉर्ड को देखिए, लेकिन ना फाइल को दिखाया गया ना देखने दिया गया, जबकि इससे रिलेटेड हमने बहुत जजमेंट दिए, बहुत गाइडलाइन दी कि उनके साथ आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। ये किसी एक नहीं, 4 व्यक्तियों की मौत से संबंधित मामला है। ये ना कहा जाए कि बाद में सरकारी हत्या की गई, कोर्ट के आदेश से, कोर्ट की हेल्प से जुडिशियल मर्डर हुआ, ये आरोप ना लगे। मैं इस आरोप को धोने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहा था, लेकिन वो फाइल नहीं दिखाई गई, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए। अब इसमें ऑर्डर को कल के लिए, जो विनय शर्मा की याचिका थी इस पर ऑर्डर के लिए रिजर्व कर लिया गया है। हमने उसकी मेंटल इलनेस की दी है ग्राउंड दी है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की दी है, जेल में जो क्रुएलिटी हो रही है उसके साथ दी गई है, जो उसके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट मेंटल इलनेस का चल रहा इलाज, क्योंकि वो आधा से ज़्यादा पागल हो चुका है, ये देख देख के रोज फांसी का फंदा, रोज फांसी के गड्ढे, रोज रस्सी, ये देख देख के हर कोई हो जाएगा पागल, वो 70% पागल हो चुका है। हमने वो रिकॉर्ड दिए, वो डॉक्यूमेंट दिए कि इस आधार पर उसके जीवन को खतरा है, और इस आधार पर कितने ऐसे केसों की लिस्ट दी जिनके आधार पर फांसी की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कमिट किया गया है।